संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर प्रभावी कानूनी कार्यवाही के लिए जारी दिशा निर्देशानुसार जिला विशेष टीम बालोतरा द्वारा कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बालोतरा SP कुंदन कंवरिया IPS के मुताबिक बालोतरा थाना क्षेत्र से चोरी हुई एक एक्टिवा स्कूटी सहित आरोपी रामलाल उर्फ रामाराम को गिरफ्तार किया गया। संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर प्रभावी कानूनी कार्यवाही के लिए जारी दिशा निर्देश अनुसार जिला विशेष टीम बालोतरा द्वारा कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बालोतरा SP कुंदन कंवरिया IPS के मुताबिक बालोतरा थाना क्षेत्र से चोरी हुई एक एक्टिवा स्कूटी सहित आरोपी रामलाल उर्फ रामाराम को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई को SI हनुमान राम के नेतृत्व में बालोतरा पुलिस ने अंजाम दिया। SP कंवरिया के मुताबिक तनसुख कुमार 15 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी एक्टिवा 13 अप्रैल को रात्रि के समय न्यू तेरापन भवन के सामने अग्रवाल कॉलोनी से अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस बीच कुछ दिन पूर्व आरोपी मंगलाराम पुत्र धुड़ाराम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराई गई 2 मोटरसाइकिल और 4 एक्टिवा बरामद किए गए। इसके साथ ही प्रार्थी तनसुख कुमार की एक्टिवा को बरामद करने को लेकर भी प्रयास जारी रहे। DST टीम ने इस प्रकरण में थाना क्षेत्र से चोरी हुई एक एक्टिवा स्कूटी सहित आरोपी रामलाल उर्फ रामाराम पुत्र लालाराम जाट उम्र 30 वर्ष निवासी पिरानी साइयों की ढाणी जगराम की ढाणी गिड़ा को पकड़कर ASI हनुमान राम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर एक्टिवा स्कूटी को बरामद किया गया। बालोतरा हल्का क्षेत्र से दिनांक 13/4/2024 को शुरू हुई एक्टिवा स्कूटी मई मुलजिम रामलाल उर्फ रामाराम को दस्तियाब करने में सफलता प्राप्त की। मुलजिम रामलाल उर्फ रामाराम को गिरफ्तार कर अन्वेषण जारी है। बालोतरा पुलिस द्वारा चुराई गई एक्टिवा बरामद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने में DST टीम के कांस्टेबल नारायण राम धनाराम गणेशाराम धर्मेंद्र सिंह मुकेश कुमार और बालोतरा थाने के ASI हनुमान राम और कांस्टेबल भैराराम की भूमिका सराहनीय रही।